गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद जाएंगे स्विमिंग पूल के अंदर, क्योंकि जो धूप पड़ रही है बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर हो रहा है स्विमिंग पूल का। तो ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ सबसे पहले आपको, फिर स्विमिंग पूल की साइड चलते हैं। जो और चीज़ें रह गई हैं वो कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, और कल का फिर ब्रेकफास्ट दिखाऊंगा मैं आपको, आज का लंच और डिनर और दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि डेली जो होता है कुछ ना कुछ डिफरेंट आइटम होती हैं इसके अंदर। तो जो भी चीज़ें होंगी सारी चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे स्विमिंग पूल, क्योंकि धूप अच्छी हो रही है इस टाइम पर, एटमोसफेयर अच्छा है स्विमिंग पूल का। तो ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं स्विमिंग पूल में और आपको ब्रेकफास्ट दिखाते हैं। ब्रेकफास्ट अभी तक दिखाया नहीं है मैंने आपको, क्योंकि ब्रेकफास्ट अभी तक, क्योंकि हम कल जो चेक इन था हमारा 2 बजे का था। अब आपको ब्रेकफास्ट दिखाएंगे, फिर कल का ब्रेकफास्ट दिखाएंगे क्या क्या डिफरेंट आइटम मिलती है। तो सबसे पहले रूम की निकाल लेते हैं, लाइट्स ऑफ, रूम करते हैं लॉक। अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। हमारी फैमिली के सारे मेंबर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं वहाँ पर ब्रेकफास्ट करने, बस मैं ही रह गया लेट लतीफ़। और यहाँ का शायद मैंने आपको दिन में एटमॉस्फेयर दिखा दिया था, हाँ यहाँ का मैंने दिखा दिया था। अभी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, अभी वेलनेस स्पा वगैरह रह गया है वहाँ का, और कल मैंने आपको ग्राउंड्स वगैरह दिखाया था जो उनकी प्रॉपर्टी है। फ्रेंड्स, आज हमारा सेकंड डे है ट्री हाउस का, हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं। अब हम आपको दिखाएंगे ब्रेकफास्ट में क्या क्या हमें मिलता है, चलो। और ये रही हमारी बहन जो खेल रही है, वो भी रेस्टोरेंट के अंदर। अब चलते हैं, चलो। ये रहे फ्रूट्स, ये रहे वाटरमेलन और चोकोस। हाँ, मिल्क भी है। और यहाँ है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ से, मिल्क शेक, जूस और वाटरमेलन और अनानास। और यहाँ पे कुछ कैलॉग्स वगैरह रखे हैं, चोकोस वगैरह रखे हैं, और ये ठंडा दूध है, और ये चटनी है वाइट वाली और मीठी वाली, ये इडली है। इडली दिखा देता हूँ मैं आपको, जो साउथ इंडियन वगैरह आए तो उनके लिए। और ये सांभर है इनका, सांभर में काफ़ी वेजिटेबल्स डले हुए हैं। और ये हैं छोले, और ये पूरी, पूरी गरम गरम आती जा रही है, और पूरी कह लो भटूरा कह लो एक ही बात है। और दिखाता हूँ मैं आगे, भैया को ले लेने देते पहले। तो अब आ जाते हैं ये पराठा, एक्चुअली सिर्फ पराठा लिखा हुआ है लेकिन ये आलू का पराठा है, ओनली पराठा लिखा हुआ है इधर, बस ये है आलू का पराठा। और ये है वर्मा सिली, वर्मा सिली कहते हैं जो हम वो खाते हैं ना, सिमैया, सिमैया है नमकीन वाली, जैसे दूध की होती हैं मीठी वाली। और ये है दही इसके साथ, यहाँ मसाला फ्रिज, और ये है पोटैटो, फ्राई पोटैटो, और ये है बॉइल्ड एग, अंडे। और यहाँ मिल जाएगा आपको चिकन सॉसेस, नॉनवेज भी है बफे में, लास्ट टाइम आए थे नॉनवेज नहीं था, ये देख सकते हैं। और ये है हॉट मिल्क, और बच्चे बच्चे को दूध वगैरह पीना है, कॉफ़ी अलग से रखी है, कॉफ़ी बना के पीनी है अगर आपको, और बच्चे को खाली दूध वगैरह पीना है। इसमें है गर्मा गर्म चाय। और यहाँ से ब्रेड निकल रहे हैं, ये देख सकते हैं, अब ब्रेड डाले यहाँ से निकलेंगे गर्मा गर्म, सिक्के नीचे से, बटर रखा है, बटर लगाना है बटर लगा सकते हैं, जैम लगानी है जैम लगा सकते हैं, शुगर यहाँ पे रखी है शुगर फिर यहाँ पे रखी है। और अगर आपको डिमांड पे ऑमलेट वगैरह खाना है तो हाफ फ्राई बोल सकते हैं, चीज़ ऑमलेट बोल सकते हैं आप इनको रिसेप्शन पर। ये भैया बना रहे हैं इधर ऑमलेट, ऑमलेट बना रहे हो ना भैया, एक ऑमलेट ऑमलेट बना देना मेरा। तो एक लाइव काउंटर लगा हुआ है यहाँ पे, आप डिमांड पे ऑमलेट बोल सकते हैं। तो ये है इनका ब्रेकफास्ट, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट है। अभी गर्मा गर्म और भटूरे आएंगे, तो अब फिलहाल करेंगे अपना ब्रेकफास्ट
ऑमलेट वगैरह बोला है, चाय वगैरह ले लेते हैं और थोड़ा सा पूरी वगैरह भी ले लेते हैं, छोले पूरी थोड़ा सा। और जो मैंने आलू का पराठा बताया था वो आलू प्याज का पराठा है, सिर्फ आलू का नहीं है। ब्रेकफास्ट करते हैं फिर लेके चलते हैं आपको स्विमिंग पूल के तरफ। स्विमिंग पूल दिखाएंगे, स्विमिंग पूल वैसे कल दिखा दिया था मैंने आपको, स्विमिंग पूल में थोड़ा सा इन्जॉय वगैरह करेंगे और जो चीज़ें रह गई थी कल वो चीज़ें फिर आज कवर करेंगे। फ्रेंड अब हम जा रहे हैं स्विमिंग करने, सबने ब्रेकफास्ट कर लिया, अब हम जाएंगे स्विमिंग करने। हमने अभी कपड़े चेंज नहीं करे हैं, हमारे चाचा को छोड़ के। मैंने तो क्योंकि नीट पहले से कपड़े चेंज करके आया था, अपना नायलॉन की टी शर्ट पहनी आया था मैं और अपना निक्कर पहनी आया था नायलॉन का, लेकिन छोटे बच्चे ने चेंज नहीं करे कपड़े क्योंकि छोटे बच्चे को नॉलेज नहीं है। छोटे बच्चे होते हैं जो पागल होते हैं थोड़े से, लेकिन ये इंटेलिजेंट है थोड़ा सा। वीडियो बन गई स्विमिंग में ना, एक धक्का दे दूंगा। तो जी टाइम हो रहा है पूरे 11 बज चुके हैं, अब आ गए हैं स्विमिंग पूल के अंदर। ऑलरेडी छोटे बच्चे स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं पहले से ही, और धूप देख सकते हो कितनी ज़्यादा हो रही है। कल जो है शाम को ना बारिश होने लगी थी तो ठंड हो गई थी, तो इसलिए जल्दी निकल गए थे स्विमिंग पूल में से। ये देखो जी दो छोटे बच्चे दो बड़े बच्चे पहले से स्विमिंग कर रहे हैं। ये देखो जी ये रहा हमारा छोटा बच्चा जो कि पहले से नहा रहा है। और चन्ना मजे आ रहे हैं? हाय या डुबकी लगा इसके अंदर। काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल है ये, यहाँ पे जो है 2-2.5 फुट है ये, 2.5 फुट से धीरे 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 गहरा हो जाता है और वहाँ पे जाके हो जाता है 4.5 फुट मैक्सिमम, 4.5 फुट बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ का एटमॉस्फेयर देख सकते हैं कितना मस्त हो रहा है, कितना उमदा हो रहा है। यहीं पे अपने गाड़ी खड़ी कर रखी है और अभी ये जो है यहाँ पे रेन डांस होता है। एक्चुअली रेन डांस वहाँ पर होता है, वो जो आपको खम्भे दिख रहे होंगे वहाँ से पानी आता है ऐसे करके नीचे सारे में, और यहाँ पे शावर स्टार्ट हो जाता है, फुहारा जिसे कहते हैं, इसमें से पानी आता है। लाइटिंग वगैरह होती है, लाइटिंग कहाँ से होती है, शायद ये तो कैमरा है, लाइटिंग भी करते हैं ये, लास्ट टाइम जब हम आए थे यहाँ से सारा पानी गिरता है इसके अंदर। और वहाँ पे रेन डांस होता है, वहाँ पे म्यूजिक बजता है, म्यूजिक आप अपना ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये शाम के टाइम होता है, सैटरडे और संडे होता है। तो ये छोटा बच्चा है हमारे साथ, छोटे बच्चे खड़े होकर दिखाओ कितना पानी है आपके यहाँ। ये तो कुछ भी पानी नहीं है, है? वाले में मत जाना चन्ना, जा जा, जाती क्यों ना है रीशु पीछू। आप दिखाओ यहाँ कितना पानी आता है बड़े वाले स्विमिंग पूल में। अभी छोटा बच्चा जा रहा है, पैर ना फिसल जाए, ध्यान से जाना। ये देखो जी यस ध्यान रखिए उसका है। ये देखो इसके चेस्ट तक पानी आ रहा है, यहाँ पे इतना गहरा पानी है और आगे 4.5 फुट हो जाता है। अब सबसे पहले थोड़ा सा बच्चों के साथ एंजॉय वगैरह कर लेते हैं, इस वाले पूल के अंदर, और उसके बाद मिलते हैं, जो चीज़ें रह गई थी मिसिंग हो गई थी वो चीज़ें दिखाते हैं आपको फिर। तो जी यहाँ पे जिम भी है, वैसे मैंने कल रात को शायद दिखाई थी आपको, तो मैं दिखा देता हूँ दोबारा से। जिम छोटी सी बनी हुई है लेकिन ठीक ठाक है, ये देखिए मतलब ऑलमोस्ट ज़रूरत की सारी मशीनें हैं यहाँ पे जो आपको करनी है जो आप कर सकते हैं। ट्रेडमिल भी दो दो हैं ऑटोमेटिक वाले, बढ़िया वाटर डिस्पेंसर भी रखा हुआ है, ऑलमोस्ट आपको सारी मशीनें मिल जाएंगी। और यहीं पे जिम के साथ में ही स्विमिंग पूल है ये रहा। स्विमिंग पूल में तो एंजॉय वगैरह कर लिए, स्विमिंग पूल के बाद में आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे है कॉन्फ्रेंस रूम भी है, अगर आप प्राइवेट कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं कॉन्फ्रेंस रूम ये रहा, इसके अंदर जाके एक और दो रूम है, और लाइब्रेरी एंड इंटरनेट कार्ड रूम ब्रिज रूम बिलियर्ड्स रूम ठीक है अल्फ्रेसो। तो अब ये है लाइब्रेरी, ये देख सकते हैं आप लाइब्रेरी एंड इंटरनेट्स,
इंटरनेट शायद पता नहीं क्या है अंदर। इसके बगल में लेडीज़ टॉयलेट है और इधर जेंट्स टॉयलेट है, ये देख सकते हैं। अब लाइब्रेरी में चलते हैं, लाइब्रेरी दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके की लाइब्रेरी है। ये देख सकते हैं बुक्स बहुत सारी रखी हैं यहाँ पे। ये क्या, होली बाइबल भी रखी है, दा विंची की भी अभी हमने देखी थी किताब, बहुत सारी। मतलब आप अगर बुक्स के शौकीन हैं, बुक्स वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो देखिए कितनी बड़ी लाइब्रेरी है। और यहाँ पे सहूलियत भी अच्छी दे रखी है, बहुत सारी पानी की बोतलें रखी हुई हैं। ये देखिए टॉफ़ी वगैरह बंदे खा के गए होंगे यहाँ पे, पता नहीं बुक पढ़ी होगी नहीं पढ़ी होगी, बट टॉफ़ी तो बहुत सारी खा खा के लोगों ने यहाँ पे डाल रखी है। और एसी वगैरह तो बहुत सारे लगे हुए हैं, 1, 2, 3 फिलहाल यहाँ पे थोड़ी सी सफोकेशन है, बट अगर आप यहाँ आएँ तो एसी ऑन कर सकते हैं खुद से और अपना बुक्स वगैरह रीड कर सकते हैं। पानी की फैसिलिटीज़ है, हल्की फुल्की टॉफ़ी वगैरह भी। अब चलते हैं, लंच टाइम हो रहा है क्योंकि अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 2:10, 2:10 हो रहे हैं और 1:30 बजे लंच स्टार्ट हो गया था और लंच होता है 3 बजे तक, 1:30 से 3 बजे तक। लिफ्ट ख़राब हो गई है फिलहाल और अब हम जा रहे हैं लंच करने। तो एक सेकेंड फ्लैश बंद कर देते हैं, ठीक है। और अभी आपको इनका वो भी दिखाएंगे, स्पा वगैरह, बीइंग कनेक्टेड सैलून एंड वेलनेस, नीचे स्पा है मसाज वगैरह के लिए। और यहाँ पे डॉक्टर भी अवेलेबल रहता है, किसी को मान लो छोटा मोटा कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाए किसी भी चीज़ के लिए, तो यहाँ पे 24 घंटे डॉक्टर भी अवेलेबल रहता है इनका। तो अब चल रहे हैं वापसी रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में अपना बुफे लगा हुआ है लंच पे, कल तो बुफे नहीं था, कल तो हमने अलग-अलग ऑर्डर किया था अलग से, लेकिन वो भी इंक्लूड था हमारे पैकेज में। अब आज बुफे में देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हो सकता है थोड़ी सी वॉइस क्लियर ना आए मेरी। तो ये सबसे पहले वेज सूप है और इधर चिकन सूप है, चिकन सूप तो सुना है, ये है चिकन टल्लुमिन सूप, ये देख सकते हैं ये किस टाइप का होता है। और बिल्कुल वाइट है। और स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, सबसे पहले सैलेड वगैरह रखा है, ये रायता है, हाँ ये रायता है, नहीं ये दही है, और ये रायता है। और इधर छोले, सलाद और टमाटर, दही। अब चलते हैं स्टार्टिंग से, यहाँ पे चिकन मसाला, चिकन मसाला बहुत यम्मी लग रहा है, बहुत गाढ़ी ड्राई ग्रेवी है इसकी, देख अभी ट्राई करेंगे इसे। यह है फिश करी, फिश करी, और ये है रोस्टेड चिकन, ये देख सकते हैं चिकन रोस्ट, चिकन रोस्ट का रखा है। और ये है पनीर बटर मसाला, पनीर बटर मसाले की ग्रेवी भी जुलम लग रही है। मशरूम दो प्याज़ा, मशरूम है दो प्याज़ा। आज क्राउड बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड है आज। मशरूम दो प्याज़ा और इधर है पास्ता, वाइट सॉस, वाइट सॉस पास्ता एक्चुअली, चीज़ गली भी इसके अंदर। और यहाँ पे तो वो सारी आइटम है ही हैं जो मैंने दिखाया था आपको। इधर कॉलीफ्लावर गोभी है, यहाँ पे गोभी है, अबे गोभी है, वेज हक्का नूडल्स है इधर, ये वही वेज हक्का नूडल्स। ये यहाँ पे जीरा राइस हो गया जिनके, कल प्लेन राइस थे। और ये दाल तड़का और ब्रेड्स नॉर्मल। और डेजर्ट में आज आइसक्रीम है। यह है काला जामुन, वाओ काला जामुन बहुत अच्छा लग रहा है। और राइस खीर, इस साइड में खीर है। और डेजर्ट में आज हैं 4 आइटम। ये कौन सी आइसक्रीम है, मैंगो फ्रूट आइसक्रीम, और ये वनीला आइसक्रीम। भाई क्या लिया है तूने? अब अपना खाना ले लेते हैं, थाली भी लगा लेते हैं अपनी क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड है। खाना वाना खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो जी एक चीज़ दिखाना भूल गया मैं आपको,
ये है गाजर मटर मेथी मलाई। ये आइटम पहली बार सुनी है और पहली बार देखी है, गाजर मटर मेथी मलाई, ये देख सकते हैं। ये आइटम कुछ नई है, नई मिली है, पहली बार देखी है इसे।